फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई बार देखने को मिलता है जहां एक ही परिवार से कई एक्टर्स निकलते हैं, लेकिन सफलता और लोकप्रियता सबको हासिल नहीं होती। जैसे शिल्पा शेट्टी 90 के दशक की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, जबकि उनकी बहन समिता का उतना बड़ा स्टारडम नहीं है। ठीक वैसे ही सलमान खान कमाल के एक्टर हैं, लेकिन अरबाज और सोहेल को उतना बड़ा ब्रेक नहीं मिला। ठीक वैसे ही साउथ सिनेमा के नागार्जुन को सभी लोग जानते हैं और फिल्में भी खूब पसंद की जाती हैं, लेकिन उनके बेटे नागा चैतन्य को लेकर लोगों में उतना क्रेज नहीं है। आज हम एक और साउथ एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसका बड़ा भाई बैक टू बैक हिट दे रहा है, जबकि छोटा का कैरियर बर्बादी के कगार पर है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं तेलुगु अभिनेता अल्लू शिरीष के बारे में। एक बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता एक प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और बिजनेसमैन हैं, जबकि भाई अल्लू अर्जुन सुपरस्टार हैं। अल्लू शिरीष ने तेलुगु फिल्म गौरवम, जो कि साल 2013 में आई थी, इसके साथ बतौर लीड रोल में अपना कैरियर शुरू किया था, लेकिन ये बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में आई, लेकिन दोनों जगह फेल हुए। बाद में अल्लू शिरीष कोठा जनता, श्रीवस्तु, सुगमस्तु और ओकाशम जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। अल्लू शिरीष ने लंबे समय के बाद श्रीवस्तु सुगमस्तु से सफलता का स्वाद चखा था। इससे उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा हुआ। इसके बाद उन्हें दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के ऑफर मिले। साल 2017 में अल्लू शिरीष 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स में नजर आए, जो कि एक मलयालम फिल्म थी, लेकिन अफसोस ये भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वह ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को 15 करोड़ में बनाया गया था और इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ 6 करोड़ ही रहा। साल 2017 में सीरीज टॉलीवुड फिल्म ओक्का कसम में दिखे, ये भी फ्लॉप निकली। फिल्म 5 दिन तक सिनेमाघरों में चली, लेकिन नाम मात्र दर्शक की इसे देखने को पहुंचे थे। इसने कुल 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। साल 2019 में अल्लू अर्जुन के छोटे भाई एबीसीडी यानी कि अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज जैसी में दिखे, जो 2013 में आई मलयालम फिल्म की रिमेक थी, लेकिन ये भी महाफ्लॉप साबित हुई। अब तक के अपने कैरियर में अल्लू शिरीष ने सिर्फ एक ही हिट दी, बाकी उनकी सभी फिल्म फ्लॉप और डिजास्टर रहीं। ऐसे में लगता है कि अल्लू अर्जुन के छोटे भाई का कैरियर फिल्म इंडस्ट्री में बर्बादी की कगार पर है। उनकी अगली फिल्म बॉडी है, जिसे लेकर फिलहाल कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। जहां एक और अल्लू अर्जुन बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म दे रहे हैं और इसी साल उन्हें पहला नेशनल अवार्ड भी मिला, वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई का कैरियर खतरे में है।